ओम शांति। VCD नंबर 3532, मुरली डेटेड 29th अगस्त 1968, क्लैरिफिकेशन डेट 25th फरवरी 2021। आज का प्रातः क्लास है 29 अगस्त 1968, गुरुवार। Today's morning class is of the 29th August 1968, Thursday. ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने समझाया अच्छी तरह से। The father has explained the meaning of Om Shanti very well. क्या अच्छी तरह से समझाया? What has he explained very well? कि जो मनुष्य सृष्टि का बाप है, जिसके मुकरर रथ में निराकार शिव बाप प्रवेश करते हैं, दैट द फादर ऑफ ह्यूमन वर्ल्ड द परमानेंट चैरियट होम द इनकॉर्पोरियल फादर शिवा एंटर्स, वही ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का पार्ट बजाता है। He himself plays the part of all the three, ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर। इसलिए कहा जाता आ माने ब्रह्मा, ओ माने विष्णु, मा माने महेश। दैट इज वाई इट इज सेड आ मीन्स ब्रह्मा, ओ मीन्स विष्णु एंड मा मीन्स महेश। तीनों का सम्मिलित पार्ट माने शंकर का पार्ट, त्रिमूर्ति शिव का पार्ट। The mixed part of all the three means the part of Shankar, that is the part of Trimurti Shiva. बाकी शिव की मूर्ति तो होती नहीं, वो तो अमूर्त है। As for the rest, Shiva doesn't have a form, that is मूर्ति, he is formless, that is incorporeal. वो मूर्तिमान में प्रवेश करता है। He enters the one who has a form, that is corporeal. तो जहां मिलिट्री खड़ी रहती है तो वहां तो ओम शांति का अर्थ अलग हुआ। Now the meaning of Om Shanti differs where the army is standing. पीछे वो आकर के कहते हैं अटेंशन। He goes at the back and says attention. तुम बच्चों ने कभी सुना है अटेंशन? Have you children ever heard him say attention? तो तुमको किस बात पर अटेंशन देना है? So on what do you have to pay attention? है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। दैट आई एम ए पॉइंट ऑफ लाइट ए सोल, यू फॉरगेट दैट नाउ एंड अगेन। तो अटेंशन, ये भी रूहानी मिलिट्री है ना। सो पे अटेंशन, दिस इज ऑल्सो ए स्पिरिचुअल मिलिट्री, इजंट इट? अभी उन लोगों का तो बिचारों का अटेंशन मना भाई साइलेंस। नाउ अटेंशन फॉर दोज पुअर फेलोज मीन्स साइलेंस। और तुमको बाप कहते हैं अटेंशन। एंड द फादर गिव्स यू एन ऑर्डर अटेंशन। आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाओ, रूहानी स्टेज में आ जाओ। बी स्टेबल इन द स्टेज ऑफ सोल, बी स्टेबल इन द सोल कॉन्शियस स्टेज। और जब रूहानी स्टेज में आएंगे तो बाप को याद, बाप की याद आएगी। एंड व्हेन यू बिकम स्टेबल इन सोल कॉन्शियस स्टेज, यू विल रिमेंबर द फादर।
तो कहते हैं आत्म के स्टेज में हो और बाप की याद में हो। सो ही आस्क्स, आर यू इन द सोल कॉन्शियस स्टेज एंड इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर? कि बार बार बोलना पड़ता है और डू यू हैव टू बी रिमाइंडेड एवरी नाउ एंड अगेन? नहीं तो ये बार बार बोलने से भी दूर होना चाहिए। इन फैक्ट यू शुड अवॉइड बीइंग रिमाइंडेड नाउ एंड अगेन, क्योंकि तुमको बनना है नरसी नारायण जैसा देवता। बिकॉज यू हैव टू बिकम अ नारायण लाइक डीटी फ्रॉम अ मैन। देवता तो इशारे से ही समझ जाते हैं। डेटीज अंडरस्टैंड थ्रू इंडिकेशन अलोन। रूहानी दृष्टि से बाप ने देखा और अटेंशन। द फादर सॉ यू विथ अ स्पिरिचुअल विजन एंड यू शुड पे अटेंशन। तो ये तो बच्चों को अभी मिला हुआ है लेसन। सो नाउ द चिल्ड्रन हैव लर्न दिस लेसन। किस बात का पहला लेसन? कि हम सब आत्माएं हैं। वॉट इज द फर्स्ट लेसन? दैट वी आर ऑल द सोल्स। लेकिन जो लेसन मिला है कि पहले पहले जब यहां बैठते हो। बट द लेसन दैट वी हैव रिसीव्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू सिट हियर। अच्छा, कोई जगह में नहीं भी बैठती है, नहीं कोई जानते हैं कुछ, तो अटेंशन। अच्छा, इवन इफ यू डोंट सिट एनीवेयर, इवन इफ यू डोंट नो एनीथिंग, पे अटेंशन। तो अटेंशन सिर्फ कोई यहां बाप के सामने नहीं रखना है, नहीं। So here, you don't have to pay attention only in front of the father. No. जहाँ कहीं भी दुनिया में जाओ, रहो, घूमो, फिरो, दौड़ो, attention, मैं आत्मा। Wherever you go in the world, wherever you live, whichever place you visit, wherever you run, pay attention, I am a soul. उसका अर्थ ही है अटेंशन। द मीनिंग ऑफ दैट इटसेल्फ इज अटेंशन। बाप की याद में हो। आर यू इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर? क्योंकि ये है बेड़ा पार का डायरेक्शन की अटेंशन। बिकॉज दिस इज द डायरेक्शन टू टेक योर बोट अक्रॉस, अटेंशन। बाप की याद में रहना है तो आत्म की स्थिति में स्थित हो जाओ, अटेंशन। इफ यू वॉन्ट टू स्टे इन द रिमेम्बरेंस ऑफ द फादर, बी स्टेबल इन द सोल कॉन्शियस स्टेज, अटेंशन। क्योंकि बाप का डायरेक्शन मिलता है ना, तुम आत्मा हो। बिकॉज यू रिसीव द डायरेक्शन ऑफ द फादर दैट यू आर ए सोल, डोंट यू? ये श्रीमत है। This is the श्रीमत। इससे जास्ती श्रेष्ठ मत और कोई दे ही नहीं सकता। No one can give a better direction, that is मत, than this। सारी दुनिया में नहीं दे सकता। No one in the entire world can give it। तो ये direction मिलता है। So you receive this direction। तो श्रीमत क्या कहती है? सो वॉट डज श्रीमत से? अभी आत्मा को भी तुम बच्चों ने पहचाना और आत्मा के बाप परमात्मा को भी तुम बच्चों ने पहचाना। नाउ यू चिल्ड्रन हैव रिकॉग्नाइज द सोल एज वेल एज द फादर ऑफ द सोल्स, द सुप्रीम सोल।
और परम पाटधारी हीरो पाटधारी के भी बाप को तुम बच्चों ने जाना। एंड यू चिल्ड्रन हैव इवन रिकॉग्नाइज द फादर ऑफ सुप्रीम एक्टर द हीरो एक्टर। अभी फिर क्या? नाउ व्हाट एल्स इज लेफ्ट? अरे पहचान लिया कि हीरो पाटधारी है। अरे व्हेन यू हैव रिकॉग्नाइज दैट दिस वन इज द हीरो एक्टर। और ये हीरो पाटधारी का भी बाप है, बापों का बाप जिसका कोई बाप नहीं। एंड दिस वन इज द फादर ऑफ इवन द हीरो एक्टर द फादर ऑफ द फादर्स हु डजंट हैव एनी फादर। तो ये आत्मिका टेंशन के बाद फिर होता है कि भाई बिगर अटेंशन तुम विकर्माजीत या सतो प्रधान नहीं बन सकते हो। सो आफ्टर दिस अटेंशन ऑफ बीइंग अ सोल कम्स द पॉइंट दैट यू कैंट गेन विक्ट्री ओवर वाइसेस और बिकम सतो प्रधान विदाउट पेइंग अटेंशन। और सतो प्रधान नहीं बनेंगे तो प्योरिटी पाए नहीं सकते हो। एंड If you don't become Sattva Pradhan, you can't attain purity. एवर प्योर परमपिता परमात्मा के पास ही एवर प्योरिटी है ना। The ever pure supreme father, supreme soul himself has ever purity, doesn't he? तो देखो। So look. ये मूल चीज है। पवित्रता। दिस प्यूरिटी इज द मेन थिंग। तो कहेंगे अटेंशन प्लीज। सो इट विल बी सेड अटेंशन प्लीज। बच्चों मेरे लाडले बच्चों। चिल्ड्रन माई स्वीट चिल्ड्रन। आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले बच्चों। द चिल्ड्रन हुज who are stable in the soul conscious stage, अपन को आत्मा समझे attention यानी बाप को याद करो। consider yourself to be a soul and pay attention meaning remember the father। तो सतो प्रधान बनेंगे। then you will become सतो प्रधान। purity आएगी आत्मा में। The soul will become pure. है ना? Won't it? और अपवित्र बनते रहेंगे, मूतपलीती बनते रहेंगे। And if you keep becoming impure, if you keep becoming polluted by the urine of lust, चाहे कर्मेंद्रियों से चाहे वाचा से चाहे वाइब्रेशन से। वेदर इट इज थ्रू द कर्मेंद्रिया थ्रू स्पीच और थ्रू वाइब्रेशंस। अब ये तो हैं सारी अभी की बातें। नाउ ऑल दीज आर सर्टेनली द टॉपिक्स ऑफ द प्रेजेंट टाइम। फिर वो दुनिया वाले तो वो तो उन्होंने जैसे अज्ञान काल मिलिट्री वगैरह में ले गए। देन दोज वर्ल्डली पीपल दे हैव टेकन द टर्म इन टू द आर्मी एक्सेट्रा ड्यू टू इग्नोरेंस। भले वो भी जिस्मानी मिलिट्री है, तुम भी मिलिट्री हो, तुम रूहानी मिलिट्री हो। दैट इज अ फिजिकल मिलिट्री। You are also a military. You are the spiritual military. वो जो कहते हैं ना, underground military. They say the underground military, don't they? उनकी तो जिस्मानी underground. Theirs is the physical underground. मिट्टी में चले जाते हैं, जमीन के अंदर। दे गो अंडर द अर्थ
अंडर द ग्राउंड। और तुम तो मिट्टी से बाहर आ जाते हो। एंड यू सर्टेनली कम आउट ऑफ द अर्थ। आत्म की स्थिति में कि देह की मिट्टी में रहते हो है? नहीं। यू स्टेबलाइज इन सोल कॉन्शियसनेस और डू यू रिमेन इन द सॉइल ऑफ द बॉडी? नो। तो तुम भी जैसे अंडरग्राउंड में लेटी हो। सो इट इज लाइक इवन यू आर एन अंडरग्राउंड मिलिट्री। यानी एकदम देह रूपी मिट्टी में भ्रकुटी के अंदर। इट मीन्स दैट यू लिव विद इन द सॉइल लाइक बॉडी इन द मिडिल ऑफ द फोरहेड। ये उत्तम अंग है ना, उत्तम अंग माथा, उसमें ये भ्रकुटी है। कैसी कुटी? भरी पूरी कुटी का नाम है भ्रकुटी। देर इज दिस भ्रकुटी इन द उत्तमांग, दैट इज द हाइएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। उत्तमांग दैट इज द हेड। वॉट काइंड ऑफ ए कुटी? दैट इज कॉटेज। द भरी पूरी कुटी दैट इज फिल्ड अप कॉटेज इज नोन एज भ्रकुटी। तो तुम उस समय बैठे हो। सो यू आर सीटेड इन इट। कोई देखे तो जान थोड़ी सकता है कि आत्मिक स्थिति में है या देहभान में है। नोबडी कैन कम टू नो इफ दे लुक एट यू वेदर यू आर इन द सोल कॉन्शियस स्टेज और इन द बॉडी कॉन्शियसनेस। इन आंखों से देखने से पता चलेगा नहीं? Will they come to know if they look through these eyes? No. यानी कोई अंडरग्राउंड, कोई धरती के नीचे, कोई नहीं जाते हैं। तुम आत्मा। Underground doesn't mean that you souls go under the ground. You the souls. यानी तुम तो गुम हो जाते हैं। It means you vanish. और वो लोग देह को छुपाए देते हैं अंडरग्राउंड में, मिलिट्री वाले। एंड दोज मिलिट्री पीपल हाइड द बॉडी अंडर द ग्राउंड। उनको कहा जाता है अंडरग्राउंड। दे आर कॉल्ड अंडरग्राउंड। और तुम क्या होते हो? एंड व्हाट डू यू डू? अरे तुम तो ज्योति बिंदु आत्मा हो ना, तुम भी गुम हो जाते हो। अरे यू आर डेफिनेटली अ पॉइंट ऑफ लाइट सोल, आरंट यू? इवन यू वैनिश। कहां गुम हो जाते हो? अरे बाप की याद में लीन हो जाते हो। वेयर डू यू वैनिश? अरे यू आर लॉस्ट इन द फादर्स रिमेम्बरेंस। तो गुम हो गए ना। So you vanished, didn't you? कोई क्या जाने किसकी याद में गया? Nobody comes to know in whose remembrance you are lost. देह के संबंधियों की याद में गया, देह के पदार्थों की याद में गया, कोई जानेगा? कुछ नहीं जान सकता। Will anyone know whether you are lost in the remembrance of the bodily relatives or in the remembrance of bodily things? They can't know anything. ये सही बातें हैं ना? This is true, isn't it? तो इसको कहा जाता है underground. So this is called being underground. यानी कोई ना कोई भी दुनिया में कोई भी पहचान नहीं सके तुम्हारी आत्मिक स्टेज को। इट मीन्स दैट नो वन इन द वर्ल्ड कैन रिकॉग्नाइज यूर सोल कॉन्शियस स्टेज। कोई भी समझ नहीं सकता इन बातों को। नो वन कैन अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, क्योंकि इन कागनीटो का अर्थ तो बाबा ने समझाया ही है कि तुम गुप्त हो। बिकॉज
Baba has definitely explained the meaning of incognito, that means you are hidden. वो तो शरीर को गुप्त कर देते हैं। They hide the body. है? तो हवाई जहाज उड़ता रहे उन्हें पता ही नहीं चलता है मिलिट्री कहाँ है। The airplane that keeps flying doesn't come to know where the military is at all. पता चलता है? नहीं। Do they come to know? No. तो तुम गुप्त हो देखो तुम्हारी याद बाप की कितनी गुप्त हो जाती है। So look, you are hidden. Your remembrance of the father becomes so hidden. दुनिया में तो कोई बाप को जानते ही नहीं है। No one in the world knows the father at all. तुम बच्चों ने भी जिन्होंने प्राइमरी नॉलेज ही ली है बेसिक नॉलेज ली है वो भी बाप को नहीं जानते जानते हैं। इवन अमंग यू चिल्ड्रन दोज हु हैव एक्वायर्ड ओनली द प्राइमरी नॉलेज द बेसिक नॉलेज दे टू डोंट नो द फादर डू दे नो हिम है वो भी बाप को नहीं जानते कि वो बाप टीचर भी है, है? बाप भी है और सदगुरु भी है। Even they don't know the father, that the father is the teacher, the father as well as the Sadguru. Tino part ekatthe ek vyaktitva se bajata hai. He plays all the three roles together through one personality. To tum kitne gupt? So, you are so hidden. उन लोगों को तो कुछ न कुछ है मुख चलता ही रहेगा भक्ति मार्ग वालों को द पीपल ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति विल सर्टेनली कीप सेइंग समथिंग और द अदर और वो दे जिस्मानी मिलिट्री को ऐसे ऐसे मुख चलता ही रहेगा एंड दैट फिजिकल मिलिट्री विल ऑल्सो कीप सेइंग लाइक दिस जो कुछ भी करेगा सो चलेगा वॉट एवर दे डू देयर माउथ विल कीप मूविंग तुम बाजू में बैठेंगे तो भी उनका मुख चलता रहेगा राम 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 नहीं तो अंदर से जपते रहेंगे राम 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 इवन इफ यू सिट बिसाइड देम दे विल कीप सेइंग राम राम और दे विल कीप चैंटिंग फ्रॉम विद इन राम राम मानसिक जाप कहते हैं ना इट इज नोन एज मेंटल चैंटिंग इजंट इट तो ये क्या है सो व्हाट इज दिस और बाप तो सिर्फ इतना ही कहते हैं बच्चों अटेंशन एंड द फादर ओनली सेज दिस मच चिल्ड्रन अटेंशन आत्मिक स्थिति में आ जाओ ताकि तुम बाप को याद कर सको बी स्टेबल इन द सोल कॉन्शियस स्टेज सो दैट यू कैन रिमेंबर द फादर क्योंकि बाप जानते हैं कि बाप को याद करने से इन विचारों का ऐसे कहेंगे ना बिकॉज द फादर डज नो That by remembering the father, these poor ones, it will be said like this, won't it? अभी तो तुमको बिचारे कहेंगे ना. Now you will be called helpless ones, won't you? है. शंकर को भी बाबा ने क्या कहा? What has Baba said for Shankar as well? देखो. त्रिमूर्ति के चित्र में देखो बेचारा शंकर ठिठोरा हुआ बैठा है ठंड में लुक लुक इन द पिक्चर ऑफ द त्रिमूर्ति पुअर शंकर इज सिटिंग शिवरिंग विथ कोल्ड बेचारा हुआ ना ही इज हेल्पलेस इजंट ही जो आत्मिक स्थिति में होगा पक्का बन जाएगा तो उसके सर्दी गर्मी लगेगी बिल्कुल नहीं लगेगी
The one who is stable in the soul conscious stage, who is firm in that stage, will he feel cold or hot? He won't feel it at all. तो अभी तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसी का ये हालत है. Now, the condition of the father of the human world himself is such. तो तुमको भी क्या कहेंगे? बिचारे कहेंगे या नहीं कहेंगे? So, what will even you be called? You will also be called helpless or not? जब बाप ही बिचारा तो बच्चे भी बाप के बच्चे बिचारे. Yes, when the father himself is helpless, the children of the father are also helpless. स्वर्ग में तो ये सब बातें होती नहीं है. Such things are certainly not felt in the heaven. क्या क्यों? कि वहां तो सब आत्मिक स्थिति में होंगे, कोई देवानी में होगा नहीं. What? Why? Because will everyone there be in the soul conscious stage or will anyone be body conscious? No. तो वहां बिचारे तो देवताएं हो ही नहीं सकते. So there the deities can't be helpless at all. बिचारे कहा जाता है जो कहां बिचारे कोई बंधनों में फंसा हुआ होता है. The one who is trapped in some bondage is called helpless. ये दुनिया का वातावरण है ना, सर्दी गर्मी का, तो उसमें सारी दुनिया के प्राणी मात्र फंसे हुए हैं या नहीं? फंसे हुए. और ऑल द लिविंग बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड ट्रैप्ड इन द कोल्ड एंड हॉट वेदर ऑफ दिस वर्ल्ड और नॉट? दे आर. तो ये तो तुम बच्चे समझ गए हो अभी. सो यू चिल्ड्रन हैव अंडरस्टूड दिस नाउ. कब ही? पुरुषोत्तम संगम युग में. वेन? इन द पुरुषोत्तम कॉन्फ्लुएंस एज. और तुम्हारे सिवाय जो इस पुरुषोत्तम संगम युग को नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं. एंड दोज एक्सेप्ट यू who don't know, don't understand this Purushottam confluence age. Itna nahi samajhte jitna tum samajhte. They don't understand it as much as you do. Aur tum bhi ek jaisa nahi samajhte ho. And even among you, not everyone understands it alike. Number one, purushartha anusar samajhte ho. You understand number var according to your purusharth. Be samaj ko hamesha kaha jata hai. Are tum to jaise koi bhais buddhi ho. It is always said to the stupid ones, are it is as if you have a buffalo like intellect. To baap bhi to tumko aise kahenge na. So the father will also say that to you, won't he? तो नहीं, attention देंगे. The children will say, no, we will pay attention. बच्चे कहेंगे हम बाप को याद करेंगे. Children will say, we will remember the father. क्योंकि बाप ने आगे भी समझाया है बच्चों को. बिकॉज द फादर हैज एक्सप्लेन टू द चिल्ड्रन अर्लियर एज वेल. कि मीठे बच्चे तुमको तो लाइट हाउस भी कहा जाता है. दैट स्वीट चिल्ड्रन यू आर ऑल्सो कॉल्ड अ लाइट हाउस. एक जैसे लाइट हाउस कि उनमें लाइट नंबर वार होती है. नंबर वार लाइट हाउस. Are you lighthouses of the same kind or do you have number war light? You are number war lighthouses. Kis baat ki lighthouse? Lighthouse of what? Gyan ki roshni lighthouse ban karke tum sari duniya mein charo dishaon mein phenkte ho ki nahi?
फेंक दे। बिकमिंग अ लाइट हाउस, डू यू स्प्रेड द लाइट ऑफ द नॉलेज इन द एंटायर वर्ल्ड इन ऑल द फोर डायरेक्शंस और नॉट? यस यू डू। तो तुमको भी लाइट हाउस नंबर बार कहेंगे और बाप को भी अब्बल नंबर लाइट हाउस कहेंगे। सो यू विल बी कॉल्ड नंबर वार लाइट हाउस एंड द फादर विल ऑल्सो बी कॉल्ड द नंबर वन लाइट हाउस। तुम लाइट हाउस सब बच्चों ने देखा है? हैव ऑल ऑफ यू चिल्ड्रन सीन अ लाइट हाउस? कोई भी ऐसा होगा शायद है लाइट हाउस का है रूप रंग न देखा हो। देर माइट बी समवन हु वुडंट हैव सीन हाउ अ लाइट हाउस लुक्स। वो जो वो स्टीमर आता है ना है सागर में से होता हुआ। व्हेन अ स्टीमर कम्स थ्रू द ओशन फिर वो लाइट हाउस की बत्ती चारों ओर फिरती रहती है। फिरती है ना? द लाइट ऑफ द लाइट हाउस कीप्स रोटेटिंग। इट रोटेट्स डजंट इट? यस। ऐसे दिखलाते हैं कि भाई वो इस तरफ से हो करके जाओ। इट शोस ब्रदर गो फ्रॉम दिस वे। क्या? हाँ, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वॉट? यस यू डोंट नीड टू वांडर हियर एंड देयर। इस तरफ से जाओ तो कोई दूसरी जगह में जा करके पहाड़ से न लटक जाए टकरा जाए। गो फ्रॉम हियर सो दैट यू डोंट गो एस्ट्रे एंड गेट स्टक अप और कोलाइड विद अ माउंटेन। नहीं तो समंदर में बर्फ के पहाड़ भी तैरते हैं कि नहीं? अदरवाइज डू इवन माउंटेन्स ऑफ आइस ड्रिफ्ट इन द ओशन और नॉट? अगर दो पहाड़ों के बीच में कोई स्टीमर आ जाए तो क्या हो जाएगा? इफ ए स्टीमर कम्स इन बिटवीन द टू माउंटेन्स व्हाट विल हैपन टू इट? चकनाचूर हो जाएगा ना? It will be smashed to pieces, won't it? Yes. तो बताया। So it was said. उथला पानी हो कहां मिट्टी हो सागर में जिसमें जानवर फंस जाए। If the water is shallow somewhere, if there is sand somewhere in the ocean in which animals get stuck. है? बड़ी बड़ी मछलियां होती है ना है? सील व्हेल मछली कितनी बड़ी बड़ी होती है। देर आर ह्यूज फिशेस aren't there? फिशेस लाइक द सील द व्हेल आर सो ह्यूज। तो और जैसे ऐसे जमीन में फंस जाते हैं जानवर। सो Such animals get trapped in the land. और फिर वो मिट्टी में मुश्किलात भी हो जाती है उनका निकलना। And it gets difficult for them to come out of that sand. इसलिए लाइट हाउस रखते हैं कि भाई कोई इधर उधर न फंस जावे। दैट इज वाई दे कीप अ लाइट हाउस सो दैट नो वन गेट्स ट्रैप्ड हियर एंड देयर। तो ये भी फंसी आत्मा मिट्टी में सब फंसे हुए है ना सारी दुनिया की प्राणी मात्र की आत्मा। सो The soul is also trapped here. Everyone, the souls of all the living beings are trapped in the soil, aren't they? तो देखो, बाप भी तो लाइट हाउस है ना, भी क्यों लगाई दिया? So look,
The father is also the lighthouse, isn't he? Why was also added? है? दो बाप है ना? हाँ. There are two fathers, aren't there? Yes. तो बताया ऐसे नहीं कि सुप्रीम सोल बाप हेवनली गॉड फादर जो हेवन का रास्ता बताने वाला है वो ही लाइट हाउस है. So it was said, it isn't that the supreme soul, the father, heavenly God the father, who shows the way to heaven, alone is the lighthouse. जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो भी बड़े से बड़ा लाइट हाउस है ना. The permanent chariot he enters is also the biggest lighthouse, isn't he? बाप समझाते हैं. एक आंख में रखो. The father explains, in one eye, keep. वो आंख ऐसे फिरती है ना, दो जगह, इधर उधर. The eye does move to two sides, doesn't it? Here and there. तो यहां से बंदर, फिर यहां से बंदर, घड़ी घड़ी घड़ी. The light keeps moving from here to the harbor again and again. इस बंदरगाह उस बंदरगाह. It moves from this harbor to that harbor. तो बाप भी तो घड़ी घड़ी समझाते हैं ना. मीठे बच्चों, एक आंख में रखो शांति दाम और दूसरी आंख में रखो सुख दाम. So, even the father explains every now and again, doesn't he? Sweet children, keep the abode of peace in one eye and keep the abode of happiness in the other eye. ये तो महात्मा के दो everlasting बंदरगाह हैं. These are the two everlasting harbors of you, the soul. कहाँ जाना है? Where do you have to go? या तो शांति धाम जाना है या तो सुख धाम जाना है. You either have to go to the abode of peace or to the abode of happiness. पहले शांति धाम जाना है. First of all, you have to go to the abode of peace. अब ये रास्ता क्योंकि चैतन्य लाइट हाउस हो. Now, this is the way, because you are the living lighthouse. तभी तो बाप कहते हैं ना, बच्चे. उठते, बैठते, घूमते, फिरते, तुमको क्या काम करना है? It is then that the father says, children, what do you have to do while getting up, sitting, moving here and there? अरे औरों को रास्ता बताना है. अरे यू हैव टू शो द अदर्स द वे. रोज रोज बाप समझाते हैं कि औरों को बता देंगे तो अपना भी पक्का हो जाएगा. The father explains every day that if you keep explaining to others, your practice will become perfect. क्या? आत्मिक स्थिति में रहो, बाप को याद करो, औरों को भी समझाएंगे, तो तुम्हारा भी स्थिति पक्की हो जाएगी. What? If you explain to others, stay in the soul conscious stage, remember the father, your stage will also become perfect. है? कि भाई शांति धाम का रास्ता सबको बताना है और सुख धाम का रास्ता भी बताना है. We have to show everyone the way to abode of peace as well as the abode of happiness. उन्तीस आठ 1968 की प्रातः क्लास का दूसरा पेज, तीसरी लाइन. Third line on the second page of the morning class dated 29th August 1968.
ये दुखधाम में आकर के ये नैया अटक पड़ी है। दिस बोट इज स्टक आफ्टर कमिंग टू दिस अबोड ऑफ सॉरो। क्या है? जब तक सुखधाम में थे, सतयुग त्रेता में, रामकृष्ण की दुनिया में थे। वॉट एज लॉन्ग एज वी वर इन द अबोड ऑफ हैप्पीनेस द गोल्डन एंड द सिल्वर एज द अबोड्स ऑफ राम एंड कृष्णा। तो वहां आत्मिक स्थिति में पक्के रहते थे ना। वी वर फर्म इन द सोल कॉन्शियस स्टेज वरेंट वी। ये आत्मा ये शरीर रूपी नैया क्या अटक गई क्या है? नहीं। वॉज दिस बोट लाइक बॉडी ऑफ द सोल स्टक? नो। अभी तो देखो अटक पड़ी है और सब की अटक पड़ी है। नाउ लुक इट इज स्टक एंड एवरीवन्स बोट इज स्टक। है ना बच्ची? इजंट इट डॉटर? तभी तो कहते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ। दैट इज व्हाई दे से टेक माय बोट अक्रॉस डोंट दे। तो किसे कहेंगे नैया? सो व्हाट विल बी कॉल्ड द बोट? ये शरीर कहो नैया कहो। कॉल इट द बॉडी द बोट। अब बड़ी नाव होती है तो जहाज कहो। If it is a big boat, call it ship. बहुत बड़ा नाज है नाव है तो उसको शास्त्रों में चंद्रकांत वेदांत जहाज नाम दिया है ना। If it is a very big boat, it has been named the ship चंद्रकांत वेदांत in the scriptures, isn't it? Yes. तो अभी जो नैया अटक पड़ी है और सबकी नैया फंसी पड़ी है एकदम। सो नाउ द बोट दैट इज स्टक एंड एवरीवन्स बोट इज टोटली स्टक। अभी इसको सेल्वेज कौन करे? नाउ हु विल सेल्वेज इट? कोई होगा सेल्वेज करने वाला है या नहीं? Will there be someone to salvage it or not? कौन है इस नैया को सैलवेज करने वाला? Who is the one who salvages this boat? हाँ जिस मुकर्र रथ में प्रवेश करते हैं उसको कहते हैं शिव बाबा। Yes, the permanent chariot He enters is known as Shiv Baba. तो तुम्हारा नाम सेल्वेशन आर्मी हो जाता है इस दुनिया में। So you are named the Salvation Army in this world. तो वो तो कोई सेल्वेशन आर्मी है थोड़े ही है जो सारी दुनिया के प्राणियों को सेल्वेज करती हो? नहीं। सो दैट इजंट अ सेल्वेशन आर्मी विच सेल्वेजेस द लिविंग बीइंग्स ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। नो। वो तो ऐसे ही नाम रख दिया है सेल्वेशन आर्मी। दे हैव जस्ट नेम्ड इट द सेल्वेशन आर्मी। नहीं तो सेल्वेशन आर्मी भी तुम बच्चे हो आत्मिक स्थिति में रहने वाले। अदरवाइज यू चिल्ड्रन हु स्टे इन द सोल कॉन्शियस स्टेज आर द सेल्वेशन आर्मी एज वेल। और तुमको तो दुनिया के हर प्राणी मात्र को सेल्वेज करना है। एंड यू हैव टू सेल्वेज ईच एंड एवरी लिविंग बीइंग ऑफ दिस वर्ल्ड। हरेक की आत्मा की ये शरीर रूपी नैया अटक पड़ी है सभी की। द बोट लाइक बॉडी ऑफ एवरी सोल एवरी वन इज स्टक। तो तुम सेल्वेशन आर्मी हो सेल्वेज करते हो। सो यू आर द सेल्वेशन आर्मी यू सेल्वेज देम। ओम शांति ओम शांति।